हेलो गाइस एंड होप यू ऑल डूइंग वेल मैं हूँ आप लोगों का होस्ट है तो सुनीत और आज मेरे पास में ना दो मोस्ट अफोर्डेबल लाइट्स हैं जो कि वेडिंग और प्री वेडिंग शूट्स में काम में ली जा सकती हैं। ये ऐसी बैटरी ड्रिवन लाइट हैं जो कि काफ़ी हाई पावर आउटपुट में हमें देखने को मिलती है जैसे कि यहाँ जो मेरे पास में हाथ में ये लाइट आपको दिख रही है इस लाइट का मॉडल नंबर है टी फिफ्टी ये एक फोर्टी वॉट की बिल्ट इन बैटरी वाली सी लाइट है काफी इंटरेस्टिंग लाइट है ये प्लस जो दूसरी लाइट की मैं बात कर रहा हूँ ये एक स्टिक लाइट है तो स्टिक लाइट आप सब लोगों को पता है कितनी फेमस है वेडिंग शूट में और इसका नाम है टी एल सी ये भी एक बिल्ट इन बैटरी वाली एक स्टिक लाइट है एक फुल आर स्टिक लाइट है और ये वाली जो लाइट है ये बेसिकली नॉन आर मतलब बी कलर लाइट है बट स्टिल एक छोटे में काफी कॉम्पैक्ट सी लाइट है ऐसी कॉम्पैक्ट लाइट जो मार्केट में आ रही है ना ये टेक्नोलॉजी कर रही है प्रोडक्शन की चाहे आप किसी भी टाइप के प्रोडक्शन में आप खुद के घर पे बैठ के वीडियोस बनाते हो या फिर अगर आप जो है वो आउटडोर शूट करते हो अपने वेडिंग प्री वेडिंग में तो इस की छोटी लाइट्स आपको बहुत काम आती है और इतनी हाई पावर में इतनी छोटी लाइटों को आना बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ड्यूरिंग दी ट्रैवल प्रोडक्शन तो आज मैं बात करने वाला हूँ इन दोनों ही लाइट्स के बारे में काफ़ी अफोर्डेबल है इनकी प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल इन इंडिया में और सबसे बड़ी बात है बिल्ड इन बैटरी के साथ में आती है विद अ वन ईयर वारंटी तो सबसे पहले हम लोग इन्हें अनबॉक्स करेंगे देखेंगे यार इन लाइट का जो प्राइस है उसके हिसाब से इनका एक्सपीरियंस कैसा है अनबॉक्सिंग का और क्या क्या हमें बॉक्स के अंदर से मिल जाता है तो सबसे पहले मैं टी फिफ्टी ओपन करता हूँ सो so आपको इस टाइप का छोटा सा बॉक्स देखने को मिलता है मैं ऑलरेडी बाय द वे इसको ओपन कर चुका हूँ इसके अंदर हमें जो ये है बहुत ही कॉम बहुत ही प्यारी छोटी सी ये लाइट हमें मिल जाती है 40 वॉट की लाइट है एज इट्स मैंशन और आप लोगों को याद होगा जो लोग मेरे वीडियोस देखते रहते हैं मैंने जून की भी एक 60 वॉट की लाइट का रिव्यू किया था वो भी इतनी ही छोटी लाइट थी जो 60 वॉट का आउटपुट देती थी बट उसका प्राइस ऑलमोस्ट इस लाइट से डबल है और उसमें बिल्ट इन बैटरी हमें नहीं देखने को मिल रहा था जो कि इसमें हमें बिल्ट इन बैटरी मिल जाती है साथ साथ में कंपनी इन एडिशन इसकी एक ग्रिप भी दे रही है जो कि आई थिंक एक काफ़ी अच्छी ग्रिप है जिसको अगर आप आउटडोर शूट करें इसको होल्ड वोल्ड करना ना इजी रहेगा आउटडोर शूट्स के टाइम पे और इस ग्रिप को आप सीधे अपने स्टैंड्स पे भी माउंट कर सकते सकते हो नीचे भी थ्रेड मिलता है जिसको तो यूज करके आप इसे माउंट कर सकते हो इस लाइट के साथ में हमें स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर मिलता है ये रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर स्टैंडर्ड है तो इसके ऊपर ये सॉफ्ट सिलेिकन अगर आप अपनी वीडियो को सॉफ्ट करना चाहते हो तो ये सॉफ्ट सिलेकन ऐसे अटैच कर सकते हो और आपकी वीडियो के लाइट के थ्रू को थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हो तो सिलिकन मिल जाता है यहाँ पे हमें सामने की तरफ जो है वो सीओबी चिप मिल जाती है दिखने में काफी अच्छी दिखती है काफी यूनिक दिखने में लगेगी जब आप आउटडोर शूट करते हो इस तरीके से सब्जेक्ट के ऊपर लाइटिंग वाइटिंग कर सकते हो और इसे और सॉफ्ट और स्मूथ कर सकते हो बॉक्स के अंदर अगर हम और सामान देखें तो हमें एक जो है वो ये छोटा सा बॉल हैड मिलता है और इसके अलावा हमें यहाँ पे जो है वो इसकी डीसी केबल्स मिल जाती हैं और एक छोटा सा कवर मिल जाता है एक अच्छा सा हाई क्वालिटी का कवर मिल जाता है जिसमें स्लाइड इस को आप कैरी कर सकते हो तो ये सारा सामान हमें इस बॉक्स में देखने को मिलता है अब अनबॉक्स करते हैं हमें सेकंड नंबर वाली लाइट को जो कि है टी एल सी फाइव हंड्रेड जो कि थर्टी वॉट की स्टिक लाइट है और जो हम लोग गुडॉक्स की यूज़ करते हैं टी सीरीज वाली लाइट्स वो जो है वो बारह से तेरह वाट की आती है उसकी पावर बहुत ज़्यादा है मतलब ये एक तरीके से नन लाइट की एक काफ़ी फेमस लाइट है उसके सेम सॉर्ट ऑफ आउटपुट में हमें देखने को मिलती है इसको जब आप ओपन करेंगे इसके साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एक कैरिंग बैग साथ में आ रहा है इस टाइप का बैग है ये और काफी अच्छा बैग है हार्ड सॉर्ट ऑफ बैग है जिसके अंदर आपको आपकी लाइट मिल जाती है तो ये रही लाइट ठीक है इस लाइट के साथ में हमें जो है वो एज ऑलवेज स्टिक लाइट में हमें एक बांडोर देखने को मिलता है जिसको यूज करके आप लाइट का डायरेक्शन दे सकते हो इस लाइट को जो है वो आप जो है वो टाइप सी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं अब मैं और अच्छी चीज़ बताऊं कि इसके साथ में हमें जो है वो ग्रिड भी मिलती है ये ग्रिड है जो साथ में हमें मिल जाएगी अगर आप लाइट को डायरेक्शन में देना चाहते हैं प्लस हमें जो है ये सॉफ्ट दो टाइप के डिफ्यूजन मिल जाते हैं क्योंकि इसका जो फ्रंटल पार्ट है है ना वो उसमें यहाँ पे आपको जो है वो प्रोजेक्टर एलईडीज मिल रही हैं आप अगर ओडॉक्स की या किसी भी और ब्रांड की इस टाइप की स्टिक लाइट देखेंगे तो उसमें प्रोजेक्टर एल नहीं मिलती प्रोजेक्टर एल का एडवांटेज ये होता है कि आपकी लाइट के पावर को इंक्रीज कर देती हैं पावर के थ्रो को बढ़ा देती हैं बहुत ज़्यादा। तो जी यहाँ पर हमें ये वाला पैनल मिल जाता है जिसको इवन अगर आप रिप्लेस करना चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो साथ साथ में आप इसके ऊपर जो है ये सॉफ्ट डिफ्यूजन वाले जो एक्स्ट्रा शीट्स मिलती हैं इनको आप ला करके इस तरीके से लगा सकते हो ताकि और ज़्यादा ये लाइट सॉफ्ट हो जाए प्लस आपको ऑफकोर्स ये ग्रिड तो मिल ही जाती है और ये जो बांडूर है इसे ऑफकोर्स रिमूव किया जा सकता है सिंपली Uh, यहाँ पे एक स्विच मिलता है इसको प्रेस करके और आप इस बांडर को यहाँ से हटा सकते हैं तो इस लाइट का जो वेट है वो भी काफ़ी हल्का है क्योंकि मेरे पास में जो गुडॉक्स की टी एल सीरीज़ वाले जो लाइट्स हैं वो काफ़ी हैवी है इन टर्म्स ऑफ और क्योंकि जब आप आपके ना असिस्टेंट रहता है आप खुद रहते हैं तो आपको चाहिए होता है थोड़ी देर तक हम इसे पकड़ सकें और नीचे इसमें थ्रेड भी मिल रहा है क्वार्टर थ्रेड है तो आप इसे ट्राईपॉड या फिर किसी लाइट स्टैंड पे भी माउंट कर सकते हो बिल्ट इन बैटरी हमें मिलती है जो कि सिक्सटी सिक्स हंड्रेड एम एच की बैटरी है अगर आप इसे फुल पावर पे चला रहे हो नहीं थर्टी वॉट के फुल पावर पे चला रहे हो तो ये लाइट लगभग आपका जो है वो टू टू थ्री आवर्स के आसपास का फुल पावर हंड्रेड परसेंट पावर पे बैकअप दे सकते हैं ये लाइट है ये भी एक फोर्टी वॉट की सी बी लाइट है इसमें बाय द वे मिनी बोन् स्मॉन्ट मिलता है हमें तो आप इस पर कोई भी अडाप्टर बोन्स वाला अटैच करके और इसके ऊपर बड़े सॉफ्ट बॉक्सेस अटैच कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम तो मिनी बॉक्सेस भी लग सकते हैं जैसे कि जो मिनी सॉफ्ट बॉक्सेस होते हैं वो भी लग सकते हैं और बोन् स्मांड वाला अडाप्टर लगा करके चला सकते हैं और इसका भी जो बैटरी बैकअप है वो लगभग टू 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 एंड हाफ आवर के आसपास का है अगर आप इसे फुल पावर में यूज करते हैं ठीक है जब आप ऑन करेंगे तो टाइफाई नजर आएगा नाम जो ब्रांड का है ठीक है मैंने ऑन कर दिया है यहाँ पे और अभी इसका कैलविन हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे हमें स्विच मिलते हैं यहाँ पे एक छोटी सी एक एल डिस्प्ले जहाँ पे हमें बैटरी इंडिकेशन प्लस हमें जो है वो लाइट कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं तो मैं अगर आपको पीछे थ्रो करके दिखाऊं तो इसमें मैंने यहाँ पे जो है वो बेसिकली मिनी बोन्स माउंट का जो रिफ्लेक्टर है वो कनेक्ट किया हुआ है और ये लाइट का जो कैलविन है वो ट्वेंटी से स्टार्ट होता है टिल ट्वेंटी यानी पूरा येलो कर सकते हो उसको और पूरा ब्लू कर सकते हो टिल जो है वो आपका सिक्सटी तक इसका कैलविन जाता है इस लाइट को जो है वो आप इसे कैसे भी करना इस तरीके से बहुत हो रहा है। मतलब आप सब्जेक्ट को या बना रहे उस केस में बहुत हो रहा है और ये अभी पूरा हंड्रेड परसेंट तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड पूरा मेरा ब्लू आउट हो रहा है और इवन अगर मैं अपने ऊपर डालूं तो आप देख सकते हो पूरा मैं खुद भी ओवर एक्सपोज हो रहा हूं मेरे शॉट के अंदर तो काफी ब्राइट लाइट है ये क्योंकि ये काफी हल्की है इसका वेट मेरे को लगता है हार्डली टू हंड्रेड ग्राम्स के आसपास होगा इसका आप इजिली अपने कैमरा बैग में इसे कैरी कर सकते हो तो एक छोटा सा बॉक्स लगा लो और आप ऐसे हाथ से अपने सब्जेक्ट के ऊपर लाइट को डाल करके और वीडियो शूट कर सकते हो इस लाइट में ये सॉफ्ट जो डिफ्यूजन है ना ये भी काफी अच्छा है मैं भी इसको भी लगा देता हूँ ये सॉफ्ट डिफ्यूजन मैंने लगा दिया तो पोर्ट्रेट वोटरेट शूट करने में ना ये सॉफ्ट डिफ्यूजन आपके बहुत काम आएगा तो ये सॉफ्ट डिफ्यूजन क्या करेगा आपकी लाइट को और सॉफ्ट और इसका स्पिल जो है और बढ़ाएगा मतलब डायरेक्शन जो है वो लाइट का और बढ़ जाएगा इस लाइट को यूज करके क्योंकि ये आपको एक डायरेक्शनल स्पिल देता है फिर अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ऑफ कोर्स 40 वॉट का आउटपुट मिल जाता है बाय कलर चिप की वजह से और ऐसे आउटडोर शूट करने में बहुत बढ़िया लाइट है हाथ में भी बहुत सॉफ्ट है कॉम्पैक्ट है इजीली आप ट्रैवल में इसे कैरी कर सकते हो और इससे सॉफ्ट डिफ्यूजन शीट से आपका पोर्ट्रेट वोट्रेट का, का काम तो इजीली हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम मैं इसका कैलविन अगर चेंज करूँ तो आप देख सकते हैं अभी येलो टोन दे रही है एक अच्छी चीज ये है इस लाइट की फुल पावर पर इसका फोर्टी वॉट का आउटपुट आता है दोनों ही कैलविन टेम्परेचर पर जो कि जनरली किसी भी अच्छे ब्रांड की भी लाइट अगर आप देखेंगे तो वो डिवाइड कर देते हैं ट्वेंटी वॉट कलर पर और ट्वेंटी

और इस जैसे मैंने बताया इसका नाम है टी एल सी फाइव हंड्रेड प्रो काफ़ी अच्छी है बिल्ड क्वालिटी हमें डिसेंट देखने को मिलती है दोनों की बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की सॉर्ट ऑफ है तो डिसेंट बिल्ड क्वालिटी है यहाँ पे आपको जो है वो स्विचेस मिल रहे हैं अगर आप अपनी गोडॉक्स या किसी और ब्रांड की राइट में देखें तो हमें सर्कल्स मिलते हैं इनको यूज करके आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं यहां पे हमें स्विचेस मिल जाते हैं और इस लाइट को आप मोबाइल फोन एप्लीकेशन के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं इसमें ब्लूटूथ कंट्रोल है और ये लाइट थर्टी वॉट का आउटपुट देती है मतलब ये वन मीटर डिस्टेंस पे ना जो है वो चौदह हजार लक्स प्रोड्यूस कर सकती है ये लाइट जो है ये थर्टी वॉट का आउटपुट दे सकती है फुल पावर पे और ये वन मीटर के डिस्टेंस पे लाइट जो है वो फोर्टीन थाउजेंड लक्स प्रोड्यूस कर सकती है तो ये साथ में आपको बांडोर मिल जाता है जो कि लाइट को यू नो डायरेक्शन देने में काम आएगा अगर आप अपनी प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं वेडिंग शूट कर रहे हैं उस सिचुएशन में और ऑफकोर्स काफ़ी पावरफुल और काफी अच्छी स्टिक लाइट है ऑफकोर्स थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा सा आपको रहेगा क्योंकि अफोर्डेबल है काफ़ी ज़्यादा और इन दोनों ही प्रोडक्ट की प्राइस आपको अभी यहाँ पे फ्लैश होती हुई स्क्रीन पे नजर आ रही होगी काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी बजट फ्रेंडली लाइट हमें देखने को मिलती है इसमें हमको सब कुछ मिलता है माइदेवे इसमें टेन डिफरेंट इफेक्ट्स मिलते हैं जो कि सेमुलियेट किए रह सकते हैं तो मैं आपको अगर आपको दिखा दूँ येस ये आपका इसका कैलविन कंट्रोल पैनल है जहाँ पर आप अपनी लाइट को तरीके से इतना नैरो इसका बीम किया रह सकता है और ये भी फुल 100% परसेंट पावर पे चल रही है ठीक है 100% परसेंट पावर पे आपको बैकग्राउंड में नजर आ रही है और अगर मैं इसका आ, अगर मैं इसका कैलविन कंट्रोल करना चाहूँ तो आई कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कैलविन 2500 से स्टार्ट हो रहा है सेम इसका कैलविन और टिल जो है वो कैलविन जो है वो नाइनटी तक जाता है तो उसका कैलविन और भी ज्यादा कंट्रोलेबल है क्योंकि ये एक फुल आर जी है दैट्स वाई इसमें हम लोग जो है वो इसकी कैलविन कंट्रोल को 9900 नाइन हंड्रेड कैलविन तक लेकर सकते हैं विच इज़ रियली रियली ग्रेट प्लस अगर हम इसके आर जी बी मोड में जाएं तो यहाँ पे हमें ह्यू सेचुरन और साथ साथ में ब्राइटनेस कंट्रोल मिलता है तो थ्री सिक्सटी डिग्री ह्यू मिलता है हमको ठीक है इसका थ्री सिक्सटी डिग्री ह्यू कंट्रोल कर सकते हो पूरा आप देखिए अभी ब्लू हो गया ग्रीन हो गया आपका तो सारा 360 सिक्सटी डिग्री का ह्यू कंट्रोल किया जा सकता है प्लस इसमें हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट मल्टीपल मोड्स मिल जाते हैं ये म्यूजिक मोड है जो कि आप म्यूजिक के हिसाब से कंट्रोल होगा हाई बीम जो एम्बुलेंस वाला इफेक्ट होता है वो मिल जाता है काफ़ी सारे मोड्स हैं और लगभग इसमें 10 डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जिनको यूज करके आप उन सीन्स को को सेमिनेट कर सकते हो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट लाइट टू हैव और सबसे अच्छी बात यह टाइप सी से चार्ज होती है तो ना मेरे से, मेरे पास जितनी भी लाइट्स हैं स्टिक वाली ना किसी में भी टाइप सी का ऑप्शन नहीं है ये पहली लाइट है जिसमें टाइप सी डाला है तो आप अपने स्मार्टफोन के चार्जर से भी इसे चार्ज कर सकते हो आपको अननेसेसरी ना वो जो पावर ब्रिक होता है बड़ा वाला वो कैरी करने की नीड नहीं है तो ये इस लाइट का मुझे इन पर्सन एडवांटेज लगता है इन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं दोनों ही बहुत अच्छी लाइट है इन टर्म्स ऑफ वीडियो प्रोडक्शन के परपजेस के लिए और आप जा करके चेकआउट करना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मैंने प्रैक्टिकली इन्हें हर जगह यूज करके देखा अपने शूट्स में और इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं दोनों ही लाइट्स का सी रेटिंग भी बहुत अच्छा सी आई रेटिंग देखने को मिलता है वह नाइन्टी फाइव और जो टी एल सी है वो हमें नाइनटी प्लस देखने को मिलता है तो कलर एक्यूरेसी दोनों ही लाइट्स की बहुत अच्छी रहेगी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन के पर्पज़ के लिए और प्लस काफी अफोर्डेबल और प्राइस फ्रेंडली जैसे मैंने बताया लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर जरूर चेकआउट करेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सेट यू एंड कीप शूटिंग